नमस्कार दोस्तों, कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 8 दिसंबर दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आकर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज बुधवार है, सरस्वती माँ का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सरस्वती माँ लिखें, सरस्वती माँ आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 8 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, आज की तिथि है पंचमी, आज का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:01 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:24 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय कोई भी नहीं और आज का अशुभ समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इस समय ना करें, आपके लिए अशुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज आपका लकी नंबर है 7 और शुभ रंग है गुलाबी, लाल और सफेद। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि दूसरों के पापों की सजा पाते हैं ये 4 प्रकार के लोग, क्या आप भी इनमें शामिल, आइए जानते हैं। कूटनीति और अर्थशास्त्र के मां ज्ञानी रहे आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र यानी चाणक्य नीति ग्रंथ में उस स्थिति के बारे में बताया है जब मनुष्य दूसरों के पापों की सजा पाता है। चाणक्य के मुताबिक धरती पर 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो जीवन में दूसरों के कामों की वजह से परेशानी में फंसते हैं। चाणक्य नीति के 6 अध्याय के 9 श्लोक में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किस प्रकार के मनुष्य को किन के पापों का फल भोगना पड़ता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि राजा को राष्ट्र के पापों का फल भोगना पड़ता है, राजा के पाप पुरोहित भोगता है, जीवन साथी के पाप उसके पार्टनर को भोगने पड़ते हैं, शिष्य के पाप गुरु भोगते हैं। आचार्य चाणक्य का आशा है कि राजा या प्रशासक अगर राष्ट्र को ठीक ढंग से नहीं चलाता और अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करता तो उससे होने वाली हानि या जनता के गलत कामों का फल शासक व्यवस्था या देश को भोगना पड़ता है। राजा की जिम्मेदारी होती है कि जनता कोई गलत काम ना करे। जब राजा अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता तब राज्य की जनता उसके खिलाफ हो जाती है और वह गलत काम शुरू कर देती है। यही कारण है कि राजा को ही जनता के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी प्रकार पुरोहित, मंत्री या सलाहकार जब राजा को गलत सलाह देते हैं तो राजा के फैसले से होने वाले नुकसान के जिम्मेदार भी वही होते हैं। पुरोहित का धर्म है कि वो राजा को सही समय पर सही सलाह दे। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई पत्नी गलत काम करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है और इसी प्रकार पति के गलत कामों का असर पत्नी पर भी होता है। इसी प्रकार शिष्य द्वारा किए गए पाप का वहन गुरु को करना पड़ता है, अधीन द्वारा किए गए पाप का भागीदार स्वामी होता है। दोस्तों, आपको चाणक्य नीति ज्ञान से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करना आपकी सेहत को भी बेहतर करेगा, लेकिन ख्याल रखें कि इसे नजरअंदाज करना बाद में भारी पड़ सकता है। आज आप काफी पैसा बना सकते हैं लेकिन अपने हाथों से इसे फिसलने ना दें। अपने नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। आज के दिन अपने प्रिय की भावनाओं को समझें। वक्त की नजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। मुमकिन है कि आज आपका जीवन साथी खूबसूरत शब्दों में यह बताए कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। दोस्तों से गपशप करना एक अच्छा टाइम पास हो सकता है, परंतु लगातार फोन पर बात करने से आपको सिर दर्द भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस राशि के लोग अपने हालातों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हिम्मत और दिमाग से बिगड़ी हुई स्थिति को संभालने में आप बहुत हद तक सफल भी हो सकते हैं। अच्छे व्यवहार के कारण कुछ लोगों की मदद मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। कुछ खास काम निपटाने में आज आप सफल हो सकते हैं। काम में भी मन लगेगा। आपको संयम से
काम में भी मन लगेगा, आपको संयम में रहना होगा। छात्र आज घर से बाहर निकलते समय दही खाकर जाएं तो आपको सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं, आज धैर्य पूर्वक किया गया विचार बहुत फलदायी रहेगा। आपके आसपास के कुछ लोग आपसे मदद मांग सकते हैं। व्यवहारिक सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति में कुछ उठापटक रह सकती है। समाज में आपके कार्यों की चर्चा होगी। पारिवारिक समस्याओं का समाधान होगा। कुछ समय निकालकर अपने परिवार को छुट्टियों पर ले जा सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। स्वास्थ्य में ताजगी बनी रहेगी। साथ ही साथ आपको बताएं, लेन देन और निवेश में थोड़ी सावधानी जरूर रखें। कोई भरोसेमंद इंसान भी आज आपको धोखा कर सकता है। घरेलू जीवन के लिए उमंग भरा हो सकता है। आप कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं या वाहन खरीदने के लिए भी यह समय काफी उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत ही शानदार हो सकता है। जीवन साथी से भरपूर प्रेम व सहयोग की आप आशा कर सकते हैं। अच्छे माहौल का निर्माण होता हुआ दिख रहा है। उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बरसेगी। बिजनेस में अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए आप अच्छा धन कमाएंगे। आपको आर्थिक परेशानियां खत्म होती हुई दिखेंगी। कुछ पुराना उधार दिया गया धन आज आपको वापस मिलने की उम्मीद रहेगी। साथ ही आपको बताएं, मित्रों के साथ मनाया गया जश्न आपको अत्यधिक आंदोलन देगा। आपके अतीत से कोई आज आपके संपर्क में आएगा, जिससे आज का दिन आपका यादगार का दिन बन जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ अपनी अतरंग भावनाओं को साझा करने के लिए आज बढ़िया दिन है। आकस्मिक लाभ होने की संभावना अधिक रहेगी। किसी अनुकूल संपर्क के कारण आज अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम हो पाएंगे। मित्र और सहकर्मी आपके प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में असीम विजय प्राप्त होने की भी संभावना है। साथ ही साथ आपको बताएं, दिन सामान्य व्यतीत होगा। समय को अनुकूल बनाने के लिए बहुत कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। अपने प्रतिभा और योग्यता को पहचानें। कुछ समय बागवानी और प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करने से मानसिक सुकून और शांति मिलेगी। घर में किसी बात को लेकर माहौल बिगड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ सदस्यों का उचित मान सम्मान बनाकर रखें। युवा लोग अपने टारगेट को हासिल करने के लिए ज्यादा प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। साथ ही आपको बताएं, व्यवसायिक कामों में रुकावटें आएंगी। धैर्य और गंभीरता से काम करने की जरूरत है। उचित समय आने पर समस्याएं हल भी हो जाएंगी। इस समय महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही आपको बताएं, पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो दोस्तों, आज पारिवारिक वातावरण आज खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा और पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर थोड़ा मनमुटाव व कानासुनी हो सकती है। और आप ध्यान दें तो जरा सी समझदारी के कारण वातावरण पुनः ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें, घर परिवार व व्यवसाय संबंधी सभी कार्यों में आपका जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपसे संबंध व भावनात्मक भी मजबूती आएगी। परिवार के साथ मनोरंजन में डिनर के लिए जाना यादगार पलों में आज शामिल होगा। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकी आएगी। बस आज आप उनसे जो भी कहें, शांति व प्यार से कहें, आप उनके मन को जीत लेंगे। साथ ही आपको बता दें, किसी प्रिय से आज मुलाकात पुरानी यादों को फिर से ताजा करेगी। और दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो दोस्तों, आज आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों, आज आपका स्वास्थ्य आपका भरपूर साथ देगा तथा आज आप अपने आप को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आप अपने आप को और अधिक स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप अपने खानपान पर ध्यान दें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे।